आइए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर भोपाल से है। ये तस्वीरें भोपाल ट्रैफिक थाने में खड़ी उन 68 बुलेट बाइक्स की हैं जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगे होने के कारण जब्त किया है। पुलिस ने अभियान चलाते हुए 30 अप्रैल से 7 मई के बीच तेज आवाज निकालने वाली 226 बाइक्स जब्त की हैं। इनमें 1.5 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक की बाइक शामिल हैं। सभी प्रकरण पुलिस ने अदालत भेज दिए हैं जहाँ से 158 में फैसला आ चुका है। एडिशनल CP सचिन कुलकर ने बताया कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अदालत कम से कम 6,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। 7 दिनों में ऐसे वाहन चालकों से 17,92,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। पुलिस ने वाहन चालकों से मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने की वजह पूछी तो एक युवक ने कहा कि इतनी महंगी बाइक खरीदी है, लॉक पलट कर देखें, इसलिए ही तेज आवाज निकालते हैं, इसके लिए ही मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया है। कंपनी से आई बाइक के साइलेंसर की आवाज तय मानकों पर रहती है। समय से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं उसके कारण ध्वनि प्रदूषण जो है काफ़ी बड़े स्तर पे सड़कों पे हो रहा है। विशेषकर रात के समय भी ऐसी जो बाइक्स हैं उनके द्वारा काफ़ी तेज़ आवाज़ में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। चूँकि मोटर व्हीकल एक्ट में और अन्य जो नियम हैं उसमें प्रावधान है कि गाड़ी में किसी भी प्रकार का संशोधन मॉडिफिकेशन बिना अनुमति के नहीं हो सकता है। और ये जो बाइक्स हैं जिसमें विशेषकर 350 cc से अधिक की जो सुपर बाइक्स हैं उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग इन लोगों द्वारा किया जा रहा था, जो नियम विरुद्ध है। पुलिस ने ऐसे वाहनों को चिन्हित किया है और चिन्हित करके जो साइलेंसर इनका नियमानुसार नहीं था उसके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की है। उद्देश्य यही है कि जो नियमानुसार जितनी आवाज़ का साइलेंसर उपयोग होना चाहिए उसी का उपयोग किया जाए और मॉडिफाइड करके या कोई संशोधन करके उसमें आवाज़ जो है इस गति पे तेज़ी से ना आए जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो, विशेषकर रात के समय जो तेज़ गति में वाहन चलाते हैं इससे काफ़ी अधिक ध्वनि प्रदूषण। जुर्माने की बात करें, जुर्माना राशि कितनी इनसे वसूल की गई? लगभग 200 के लगभग अभी तक जो संख्या आई है वाहनों की, और अलग अलग प्रकरणों में राशि है, कुछ में साइलेंसर भी जब पुलिस कर रही है। और जो वाहनों में नियमानुसार जो नहीं होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन जो नियम विरुद्ध भी है उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाता है। स्टैंडर्ड फिटमेंट अगर है तो वो अलाउड है, उसमें जितने भी वाहन जो वाहन भारत में ही जिनका निर्माण होता है और या ये इम्पोर्टेड जो वाहन होते हैं, दोनों वाहनों में जो निर्धारित सीमा है उसी के साइलेंसर का जो है सर्टिफिकेशन होने के बाद अनुमति विक्रय की जाती है। अगर स्टैंडर्ड फिटमेंट है वाहन के साथ ही वो आया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कई बार नए वाहनों को भी क्रय करते समय उसका जो साइलेंसर है उसी स्थान से बदल दिया जाता है जो मॉडिफाइड वाला साइलेंसर होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक जो काफ़ी कम स्थानों पे जिसका विक्रय होता है तो साइलेंसर के लगवाने के लिए भी वही स्थानों पे व्यक्ति को जाना पड़ता है, तो उनसे भी संपर्क किया जा रहा है जो इसके विक्रेता हैं कि कोई भी अन्य उपकरण अगर आप बाइक में लगाते हैं तो उसको भी कार्रवाई की जाए।